आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जुनूनी इंसान के जुनून से भरी कुछ किस्से सुनाने जा रहा हूं, जिसके जुनूनी किस्से सुनकर आप में भी अपने लक्ष्य को पाने का, अपने सपनों को पूरा करने का एक जुनून जाग जाएगा। आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं मेसी, लियोनेल मेसी के बारे में और उनके कुछ अनसुने किस्से जो आपके अंदर भी जुनून वाली आग भर देगा। एक बार की बात है, अर्जेंटीना के गवर्नमेंट ने अर्जेंटीना में एक ऐसा रूल लगा दिया था कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोग इतने मेसी और मेसी के फुटबॉल खेलने के अंदाज के इतने दीवाने हो गए थे कि हर पेरेंट अपने बच्चे को मेसी जैसा महान फुटबॉलर बनाना चाहते थे और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम मेसी रख रहे थे। मेसी, जिनका पूरा नाम लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर, जिनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड और कई फुटबॉल की दुनिया के अवार्ड है। इन्होंने 7 बार बैलन डी और अवार्ड, 6 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, कई बार फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। मेसी ने काफ़ी कम उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। मेसी ने सबसे कम उम्र में लीग खेलने वाले फुटबॉलर का ला लीगा रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही सबसे कम उम्र के लीग गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना की ओर से फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी मेसी ही हैं। मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, 1 साल में सबसे ज़्यादा 91 गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए। ये होता है जुनून अपने खेल के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य को पाने का। पर मैं आपको बता दूँ, मेसी के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। मेसी के आगे बहुत सारी मुश्किलें आई, पर मेसी कहाँ रुकने वाले थे। सारी मुश्किलों को मात देकर वो यहाँ तक पहुँचे। मेसी जब 10 साल के उम्र के थे तो उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशेंसी नामक बीमारी हो गई, जिससे उनकी हाइट और बच्चों के मुकाबले कम हो रही थी। उनको इस बीमारी के इलाज के लिए अपने पैरों में डेली इंजेक्शन लगवाना होता था, जो काफ़ी पेनफुल और महंगा था। इनके पापा एक फैक्ट्री के मामूली कर्मचारी थे और माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। इनके पेरेंट्स के लिए ये इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो इस इलाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, उनके पास इस इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पर मेसी, जो कि फुटबॉल के दीवाने थे, ऐसी हालत में भी कहाँ रुकने वाले थे। अपने सपनों को हर दिन वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार मेसी एक मैच खेल रहे थे, जिस मैच को देखने बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए हुए थे। वो मेसी के गेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेसी के माता पिता से बात की अपने क्लब की ओर से खेलने के लिए, जहाँ बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर को उसके बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मेसी के माता पिता को ये ऑफर दिया कि उनका क्लब मेसी के इलाज का सारा खर्चा उठाएगा, पर मेसी को उनके क्लब के लिए खेलना होगा। और मेसी का इलाज हुआ, मेसी बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलने लगे और फुटबॉल की दुनिया में कई झंडे गाड़ दिए। तो ये है मेसी, मेसी का खेलने के प्रति जुनून, अपने सपनों को पूरा करने का जिद, जो लियोनेल मेसी को मेसी बना दिया। तो आप में भी अपने सपने के लिए, अपने सक्सेस के लिए ऐसा जुनून होना चाहिए जो आपसे आपके सपने पूरा करा देगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।